व्यूअर्स एंड दिस इज जितेंद्र चामरिया फ्रॉम जेके कुकरी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम बनाएंगे पिज्ज़ा, बिना ईस्ट के हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। सो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ईस्ट खाना पसंद नहीं करते और बहुत सारे जन ईस्ट भी नहीं खाते, सो हम आज बिना ईस्ट के पिज़्ज़ा बनाएंगे। बिना ईस्ट के पिज़्ज़ा कैसे बनाते वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में ले लेंगे मैदा। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें मैं डाल रहा हूँ 3 टीस्पून शुगर। ये मैंने कैस्टर शुगर लिया है, आप घर का पीसा हुआ चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 TSP बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP नमक। इसमें मैं डाल दूँगा 1 TSP ऑयल और ये मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून बटर। ये मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है, आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हो। अभी हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही। ये मैंने रूम टेम्परेचर दही लिया है। दही और बेकिंग पाउडर मिलके हमारा सोडा ईस्ट के जैसा काम करेगा और हमारे पिज़्ज़ा को फूलने में मदद करेगा। इसमें मैं धीरे धीरे पानी डाल के रोटी जैसा सॉफ्ट आटा गूंद लूँगा। जैसा हमें रोटी के लिए आटा लगता है वैसा ही हमें इसका आटा गूंदना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड। अभी हम इसे हमारे किचन काउंटर पे रख देंगे और हम ऐसे हमारे डो को नीड करेंगे। ये हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा डो थोड़ा रफ लग रहा है स्ट्रक्चर में, ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हमें इसको नीड करना है। आप इसको ऐसे आगे लेके जाओगे और ऐसे इसको घुमा के पीछे लेके आओगे ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको लेके जाओ, ऐसे इसको रिटर्न लेके आओ, फिर ऐसे इसको लेके जाओ, ऐसे इसको रिटर्न लेके आओ, ऐसे ही करके हमें हमारे डो को नीड करना है। हम इसे 4 से 5 बार ऐसे पटक देंगे और हमारा पिज़्ज़ा बेस बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारा डो एकदम ही स्मूथ हो चुका है, ऊपर बराबर है। हम इसको ऐसे नीचे से ऐसे अंदर पुल करेंगे और हम इसका एक गोला बना देंगे और हम इसे ऐसे राउंड कर देंगे। हम ऐसे इसको राउंड कर देंगे, आपको ऐसे करके इसको स्मूथ कर लेना है। अभी हम इसके ऊपर लगा देंगे हमारा ऑयल। आप आपके हाथ में ऑयल ले लो, दोनों हाथ में ऐसे रब कर लो और इसके ऊपर ऐसे टैप कर दो। ये ऑयल हमें इसके ऊपर इसके लिए लगाना है कि जब हम इसको रेस्ट करने रखेंगे तो इसके ऊपर ड्राई स्किन फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतने आटे में से आप एक पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये मैंने लिया है बाउल, ये हम बाउल में रख देंगे और हम इसके ऊपर एक डिश रख के हम इसे 1.5 से 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट करवा देंगे कोई भी गर्म जगह पर। अभी मैं इसे हमारे ओवन में रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ का सबसे गर्म जगह अभी वही है, ठीक है। ओवन को ऑन नहीं करना है, आप जस्ट इसको उसके अंदर रख दो। सो अभी मैं इसे 1 घंटे के लिए फर्मेंट करने के लिए रख रहा हूँ। तो हमारे डो को रेस्ट करते हुए भी 1 घंटा हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा फूल गया है डो हमारा। हम
हम इसे निकाल लेंगे। मैं आपको इसे कट करके बताता हूँ कि इसमें कितनी अच्छी जाली फॉर्म हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक एकदम ईस्ट वाले डो की तरह फूक चुका है। अभी हम इसे ऐसे पिंच कर देंगे और हम इसके एक लोई बना लेंगे। तो हमारा लोई बन के भी रेडी है। ये मैंने लिया है कॉर्न मील, ये वो मक्के का आटा है जिससे कि हम मक्के की रोटी बनाते हैं। कंपलसरी आपको इसी में इसको बेलना है। हम इसको इसमें डिप कर देंगे, इससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। कंपलसरी हमें कॉर्न मील ही यूज़ करना है पिज़्ज़ा को बेलने के लिए। अभी हम इसे बेल देंगे। हमें इतनी इसकी थिकनेस रखनी है। अभी हम हमारे इसको राउंड कर देंगे ऐसे हाथ से प्रेस करके। हम इसके एक बॉर्डर दे देंगे। ये देने के लिए हमें इसको ऐसे पिंच करना है जिससे कि हम इसमें हमारा चीज़ स्टफिंग वगैरह डालेंगे वो बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे करके आपको इसे पिंच करना है अंदर के साइड से। ठीक है, हम इसे अच्छे से बीच में से ऐसे प्रेस करके बड़ा कर देंगे हमारे पिज़्ज़ा के बेस को। ये मैंने लिया है पिज़्ज़ा प्लेट, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा बटर। ये हमें बटर इसके लिए लगाना है कि ये इसमें चिपकेगा भी नहीं और नीचे से हमारा बेस ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इस पर हमें अच्छे से बटर अप्लाई कर देना है। मैंने इसमें अच्छे से बटर लगा दिया है, इसके ऊपर मैं रख दूंगा हमारा पिज़्ज़ा। हम इसे हमारे प्लेट के साइज़ के हिसाब से हम इसे ऐसे खींच के बड़ा कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा बेस बन के रेडी है। हम इसे एक फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे जिससे कि हमारा पिज़्ज़ा रोटी की तरह फूकेगा नहीं। ये प्रिक करना कंपलसरी है, नहीं तो ये भटूरे की तरह फूक जाएगा। अभी हम इसके ऊपर लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये मैंने 2.5 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस लिया है। हम इसे ऐसे इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। हम इसे ऐसे इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। सो हमने हमारे पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से इवनली हमारे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर लगा दिया है। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। ये मैंने 60 ग्राम मोज़ेरेला चीज़ और 50 ग्राम प्रोसेस चीज़ को मिक्स कर दिया था। अभी हम इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। हम
इसको अच्छे से इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अभी हम इसके ऊपर हमारे वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये मैंने लिया है स्वीट कॉर्न, ये मैंने लिया है पेपरिका, ये मैंने लिया है ऑलिव्स, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम एंड बेबी कॉर्न को मैंने ऐसे लंबा कट कर लिया है। इसके ऊपर मैं डाल दूंगा हमारे स्वीट कॉर्न्स। वेजिटेबल्स आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर हमारे रेड कैप्सिकम्स रख दूंगा। बेबी कॉर्न रख दूंगा। ग्रीन कैप्सिकम, ऑलिव्स के बिना तो पिज्जा अधूरा लगता है, सो हम इसके ऊपर थोड़े ऑलिव्स लगा देंगे। पेपरिका हम इसके ऊपर रख देंगे। हम इसे एक बार अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे कि जब हम हमारे पिज़्ज़ा को कट करेंगे तो हमारे टॉपिंग्स नीचे ना गिर जाए। सो अभी हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रेडी है। हम इसे 230 डिग्री सेल्सियस पे 12 मिनट्स के लिए बेक कर देंगे। सो अभी हमारा पिज़्ज़ा भी बेक होके रेडी है। हम इसे प्लेट में से निकाल देंगे। सो आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो चुका है, पीछे से भी अच्छे से बेक हुआ है और आप चीज़ का कलर भी देख सकते हैं, ये एकदम कम्प्लीटली अच्छे से बेक हो चुका है। और मैं आपको इसका बेस भी बता दूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। अभी मैं आपको इसे कट करके बताता हूँ। ये मैंने लिया है पिज़्ज़ा प्लेट, इसके ऊपर मैं हमारे पिज़्ज़ा को शिफ्ट कर दूँगा। द सॉफ्टनेस ऑफ पिज़्ज़ा, आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा हमारा कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। सो हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।